सर्दियों में खाबे खा खा के शादियों के खाने हम सब 5-6 pounds वजन बढ़ा लेते हैं, मेरा भी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करें जो कि हेल्दी भी हो और हम कर भी सके और हमारे लिए फायदेमंद भी हो। अभी सर्दी नहीं खत्म हुई मैं आपको पता है बॉडी हाइबरनेशन मोड में होती है, फेस्टिव माहौल होता है, फिर हमारा तो यहाँ पे वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ फेस्टिविटी खाने से ही होती है। अच्छा, आप रिकमेंड कर रही हैं डिटॉक्स करना, जिम की ट्रैफिक भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, अब हमने समर क्लोथ्स में कैसे पूरे आए। सो व्हाट यू डू इज कि आप जो एक एक्सट्रीम कोल्ड से जो आपकी बॉडी अडैप्ट हुई हुई है उससे जब आप चेंज में जाओगे तो आप उस वेदर के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर, किसी भी किस्म की जब आप एक हेल्थी डाइट फॉलो करो तो वेट लॉस फॉलो। आपका मकसद फाकों का नहीं होना चाहिए, खाना आपने है, आपकी सेहत भी बेहतर हो। I ask them if they can give me 21 days of their life. लेकिन आप अपनी सेहत के लिए और अपने गोल के लिए 27-28 दिन तो दे ही सकते हैं। फैमिली मेंबर्स साथ मिल जाएं, मियां भी कर लें आप। On this plan, like a lot of people have an anticipation कि अगर हम कोई डाइट प्लान शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमने वो लिया ऑलिव ऑयल विद नींबू 3000 ऑलमोस्ट ली, और प्लीज अगेन कोशिश कीजिएगा देसी, मतलब कोशिश नहीं, आई थिंक इट्स अ मस्ट, मस्ट, मतलब 28 दिन तो हम कर ही सकते हैं ना ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। हमेशा की तरह से मैं इफ़त उमर और मेरे साथ डॉक्टर सामिया राजी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम सबको पता है कि सर्दियों का मौसम अब जा रहा है और समर्स आने वाली हैं, और सर्दियों में खाबे खा खा के शादियों के खाने, दावतों के खाने खा के हम सब 5-6 pounds वज़न बढ़ा लेते हैं, मेरा भी बढ़ा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूं। तो मैंने सोचा आज डॉक्टर सामिया से हम ये पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द समर्स, और समर में आपकी जो ज़ाहिर है आपको वेट कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है सर्दियों के बाद, तो उसके लिए हम क्या करें जो कि हेल्दी भी हो और हम कर भी सकें और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो डॉक्टर सामिया, मेरी प्रॉब्लम तो आपने सुन ली, हाँ, आप मुझे बताएं इसका क्या हाल है। आई थिंक 5-6 pounds तो आप थोड़ी तकल्लुफ से बात कर रही हैं, 5-6 kilos में मतलब गेन जाती होती है। होता ये है कि सर्दी का जब मौसम खत्म होना शुरू होता है ना तो एकदम से हमारी एपेटाइट भी कम हो जाती है। मेरी नहीं हो रही क्योंकि अभी सर्दी खत्म नहीं नहीं हुई। एग्जैक्टली, हाँ, अभी सर्दी नहीं खत्म हुई, एकदम से खुद ही एपेटाइट नीचे जाएगी। okay. सर्दी में आपको पता है बॉडी हाइबरनेशन मोड में होती है, सो यू वांट टू कंजर्व एनर्जी, यू वांट टू कंजर्व फूड, यू वांट टू प्रोड्यूस हीट इन योर बॉडी, सो एक ऑटोमेटिकली एपेटाइट भी बढ़ जाता है। right. फिर हमारा तो यहाँ पे वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है और छुट्टियों में बहुत सारे लोगों के बच्चे आए होते हैं, सो एक फेस्टिव माहौल होता है और हमारे यहाँ फेस्टिविटी खाने से ही होती है, सो खाना पीना बहुत बढ़ जाता है। अब जब ये वेदर आना शुरू होता है तो लॉट ऑफ वुमेन स्टार्ट वरीइंग, एकदम से आप देखोगे जिम की ट्रैफिक भी बढ़नी शुरू हो जाएगी कि अब हमने समर क्लोथ्स में कैसे पूरे आना है। एग्जैक्टली, सो यू नो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ स्प्रिंग बॉडी और अ समर बॉडी, बिकॉज अभी से शुरू करोगे तो जब तक वो मौसम आएगा, जब आपके लेयर्स उतरेंगे तो आपके अंदर से असलियत थोड़ी बेहतर। एग्जैक्टली, जल्दी से बताएं, बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ इट नाउ। आयुर्वेद में भी और जनरली फंक्शनल न्यूट्रिशन में भी जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो उसको हम ट्वाइस अ ईयर जनरली एडवाइस करते हैं। अच्छा, आप रिकमेंड कर रही हैं डिटॉक्स करना। हाँ, आई एम गोइंग टू यूज़ द टर्म डिटॉक्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन एनी सच टर्म एज यस। ओके, डाइटिंग, डाइटिंग फॉर वेट लॉस। ओके, सो जब जाहिर है आपने बहुत शुगर खाई है, कार्ब्स खाए हैं, एक मौसम की एक्सट्रीम से आप गुजरे हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर रही होती है, और जब वेदर चेंज होता है तो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, और हमारे एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं, एक्सट्रीम गर्मी आती है और एक्सट्रीम सर्दी आती है, राइट right. तो ख़ासतौर पर जो हमारे जैसे ममालिक हैं जहाँ पे एक्सट्रीम्स आते हैं, वहाँ पे इट्स एडवाइज कि यू डू दिस डिटॉक्स डाइट ट्वाइस अ ईयर। अच्छा, वन इन स्प्रिंग एंड वन इन ऑटम। राइट, ऑटम वाली बेशक ना भी हो सके, स्प्रिंग वाली बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट यू डू इज कि आप जो एक एक्सट्रीम कोल्ड से जो आपकी बॉडी अडैप्ट हुई हुई है उससे जब आप चेंज में जाओगे तो आप उस वेदर के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर, ठीक है, सो यू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन्स दैट हैव एक्युमुलेटेड इन द कोल्ड एंड देन यू रिफ्रेश योर बॉडी एंड स्टार्ट फ्रेश। ऑलराइट, तो आज आप हमें बता रही हैं स्प्रिंग डिटॉक्स। स्प्रिंग डिटॉक्स, ओके। अच्छा, जब आप फ्रेश स्टार्ट करोगे
तो किसी भी किस्म की जब आप एक हेल्थी डाइट फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड फॉलो करो तो वेट लॉस फॉलोज. ऑलराइट. सो आई बिलीव दैट नेवर गो फॉर अ वे ऑफ ईटिंग और अ मोड ऑफ ईटिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट हमने वजन कम करना है. वन मस्ट गो फॉर अ ईटिंग प्लान विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे अंदर ये बीमारी है या बन सकती है या ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त हमारी एनर्जी की, स्टेट ऑफ माइंड की. और वेट लॉस फॉलोज ऑटोमेटिकली बिकॉज बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है. जब बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है तो वो एक्सेस वेट उतार देती है. ऑलराइट. तो हम इसको यही कह सकते हैं कि आपका मकसद फाकों का नहीं होना चाहिए. खाना आपने है पर इस तरीके से कि आपकी सेहत भी बेहतर हो, वो आपको फायदा भी दे और इसमें साथ साथ ही वेट लॉस भी हो जाएगा. आपकी बॉडी बेसिकली रीसेट करेगी. डन. अच्छा, अब किसी भी किस्म की डिटॉक्स जो डाइट या फूड प्लान उसे कहते हैं, इट दे कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 3 days to 27 days. अरे वाह. हाँ, आइडियली मैं 27 to 28 days रेकमेंड करती हूँ बिकॉज उसमें आपका पूरा जो गट की लाइनिंग है, लिवर है, वो सारा रीसेट हो जाता है. सो 28 days तो इज द आइडियल इफ यू डू इट. द पीपल हु कम टू मी फॉर समथिंग लाइक दिस, प्लान लाइक दिस, I ask them if they can give me 21 days of their life. So 21 days would be my second best option. Okay. Then my option would be 14 days. Okay. और वो भी नहीं हो सकता तो चलो 7 days कर लो. All right. लेकिन फिर 7 days में loss नहीं होगा इतना. Okay. ठीक है. You will lose 21 days. लेकिन आप अपनी सेहत के लिए, अपने goal के लिए और अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए अपने आप को 27-28 दिन तो दे ही सकते हैं. हाँ, वो भी इस मौसम में, जब अभी जब यू नो व्हेन स्प्रिंग कम्स, तो दोनों एक्सट्रीम मौसमों के बीच में होता है ना, तो कोई डाइटरी इतनी लोड नहीं पड़ा होता बॉडी के ऊपर. ऑलराइट. ना ये होता है कि आपकी भूख मर जाती है बिल्कुल जैसे गर्मियों में होती है, और आपको प्यास पानी पी पी के बिल्कुल, और सर्दियों में आपकी बढ़ जाती है. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीसेट योर बॉडी. प्लस आगे रमजान आ रहा है, सो इफ वी कैन प्लग दिस इन बिफोर फास्टिंग then your fasting will become easier. Oh wow. क्योंकि अगेन जैसे हमने जब intermittent fasting की भी बात की थी, तो एक important मैंने आपको point बताया था कि don't go into 48 hours or 24 hours अंधाधुंध. बिल्कुल. उसके लिए भी पहले छोटे prepare करो, prepare चाहे करो. पहले अपनी diet में से carbs को निकाल के करो, किसी एक तरीके से prepare करो. तो this is a good preset for Ramzan also. Perfect. करना क्या है? हाँ, वो तो फिर मुफ्त मशवरा मिल रहा है. अच्छा, I did this with about 14 people as a group. Okay. तो ये तो आपकी group study हो गई. हाँ. बहुत कमाल वो study थी और मैं उसका आप लोगों को reference भी देती जाऊँगी. एक तो इफ यू कैन गेट सम पार्टनर्स विद यू. जब भी आप इतना लंबी ड्यूरेशन का कोई भी प्लान करो, जो कि इवन इफ इट 7 days और 14 days और 21 days, अगर आप अपने 2-3 फ्रेंड्स को साथ मिला लो या फैमिली मेंबर्स साथ मिल जाए, मियां बीवी कर लें, परफेक्ट हो जाए. बच्चे आजकल तो बच्चे भी माशाल्लाह से काफी हेल्दी हुए हैं. हमारे बच्चे तो वैसे ही बाहर चले गए हैं, हमारे साथ नहीं रहे, हम तो एम्प्टी नेस्टर्स हैं. It's good for the kids also. All right. क्योंकि इसमें भूखा तो आप रहोगे. ठीक है. गजा तो आपको मिलेगी, सिर्फ गंद गंद बला निकल जाएगा. Okay. तो जब आप किसी ग्रुप के साथ करते हो तो वो जो ग्रुप साइकोलॉजी होती है, मोटिवेशन, उसमें रिजल्ट्स बड़े कमाल आते हैं. एक्सेलेंट. क्योंकि फिर आपको पता होता है कि सुबह उठ के सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हो रहा, क्योंकि डाइट प्लान आपका जो नॉर्मल पैटर्न है उससे तो आप हट जाओगे ना? और आप एक दूसरे को एनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो. एग्जैक्टली. लेट्स डू इट टुगेदर डॉक्टर साहब. या आई वुड वांट टू डू इट बिकॉज़ आई ऑलवेज डू इट अराउंड स्प्रिंग. एक्सीलेंट. अब मैं इसको एक और नाम से भी इस डाइट को हमेशा रेफर करती हूँ, विच इज द एलिमिनेशन डाइट. ओके. फंक्शनल न्यूट्रिशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स दैट वी यूज फॉर डिफरेंट कंडीशन. सो देयर इज द कार्डियो मेटाबॉलिक डाइट, जो उन पेशेंट्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या उनको हाइपरटेंशन है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है. फिर एक हिस्टामिन डाइट है, ये उन लोगों के लिए एलर्जीज हैं जिनको, जिनको बहुत एलर्जीज हैं, और फिर जिनकी गट के इश्यूज हैं उनके लिए वो डाइट होती है. बट देर इज़ अ पर्टिकुलर स्टाइल दैट आई हैव विच यू आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल राइट एंड आस्क मी फॉर डाइट प्लान. एग्जैक्टली. एंड आई विल लाइक टू कम विद अ डिस्क्लेमर
कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, स्पेशली पीपल विद सीरियस मेडिकल एलिमेंट्स, बिकॉज देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायो इंडिविजुअलिटी. यस, विच मीन्स कि जैसे मेरा फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, मेरे गट माइक्रोबायोम भी डिफरेंट है. बिल्कुल. एवरी डाइट इज नॉट फॉर एवरीबडी. ओके. हाउएवर, जो मैं एलिमिनेशन डाइट और अपनी डिटॉक्स को कंबाइन करती हूँ, उसका एक फ़ायदा ये है कि जब वो मैं एक बड़े ग्रुप को भी दूँ करने के लिए, लाइक इट वॉज अ 14 पीपल ग्रुप, इट कुड बी 100 पीपल ग्रुप, इट कैन बी फॉलोड बाय एवरीबडी. ऑलराइट. इससे किसी को कोई नुकसान, इससे नुकसान किसी को भी, फायदा शायद फायदा होगा. हाँ. फायदा सबको. ओके. अब वो जो ग्रुप था मेरा, उसमें इतना इंटरेस्टिंग डायनामिक था कि देयर वर पीपल हु वर 50 प्लस एंड देयर वर पीपल हु वर 20 प्लस. ओके. देयर वर मेन एंड देयर वर वुमेन. सो वेट लॉस, जाहिर है जिसकी एज कम है उसका वेट लॉस तो इतना हुआ कि वो तो खुशी से पागल से हो गए ना. हमारा क्या बनेगा? हमारा भी उतरेगा. ओके. जो बॉडी को जो जो एक्सेस है वो तो शेड करेगा. परफेक्ट. अब तुम्हारा कम है, मेरा तुमसे थोड़ा सा ज्यादा है, मेरा तुमसे ज्यादा उतरेगा, तुम्हारा थोड़ा कम उतरेगा. सो यू नो, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव टू लूज एंड व्हाट अंडरलाइंग कंडीशंस यू हैव. बट ओवरऑल एक मेंटल फॉग की जो सिचुएशन होती है वो सारी क्लियर होती है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड फील होती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है. इस डाइट में फर्स्ट 2-3 डेज साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. वो क्या होते हैं? वो जब आप किसी भी किस्म की हेल्दी प्लान में जाते हो, और ख़ासतौर पर जब डिटॉक्सेस में जाते हो, तो जब आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज करती है तो एक फ्लू लाइक सिंड्रोम बॉडी में क्रिएट करती है. तो शुरू में कैफीन के बगैर, क्योंकि इसमें कैफीन नहीं होती, सरदर्द होगी. कुछ लोगों का, मेरी कॉफी गई, कॉफी गई, ओह गॉड, बिल्कुल गई, मेरी चाय गई, मैं तो चाय के बगैर नहीं रह सकती. So coffee, chai, anything caffeinated will go out of the window, because we are going to cut out every single food group that can possibly cause inflammation in the body. So, and because we don't have the facilities to do, you know, individual specific testing here, this is also a good plan for people जिनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ मसला क्या है, मसला क्या है. Okay. लेकिन वो उतने भी टेस्ट नहीं करवा सकते कि जितने शायद हम पाकिस्तान में, मैं करवाती हूँ टेस्ट जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, बिकॉज दे ऑल्सो कॉस्ट. तो जिन लोगों को बिल्कुल ही ऑब्जेक्शन होती है कि हम या तो खून देना ही नहीं चाहते या एटसेट्रा एटसेट्रा, इफ दे डोंट हैव अ सीरियस डिजीज, देन आई जनरली स्टार्ट विद द एलिमिनेशन प्लान. ठीक है. उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं. अच्छा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपको जो कुछ फूड ग्रुप्स मैं दूंगी जो आपने बिल्कुल टच नहीं करते. ओके. ठीक है. देन नेवर स्टार्ट अ न्यू प्लान विदाउट अ शॉपिंग लिस्ट. ओके. सो यू गिव योरसेल्फ 2-3 डेज, उसमें आप अपनी लिस्ट बनाओगे कि ये चीज़ें मैंने खरीदनी है, अपनी पैंट्री को स्टॉक करो, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी आप अपना स्टॉक करके फिर आप अपना एक लूज सा प्लान बनाओगे कि मैंने नाश्ते में ये लेना है, फिर स्नैक में ये लेना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इफ़ पीपल ट्रैवल, गाड़ी का बहुत काम है तो अपने स्नैक पैक्स बना के बैग में रख लो. आई ऑल्सो टेल यू व्हाट दैट कुड बी, पीस ऑफ फ्रूट और नट्स एंड व्हाटएवर. भूख इसमें गारंटीड है कि नहीं लगती. But you'll be surprised ki if you go on this plan, like a lot of people have an anticipation ki agar hum koi diet plan shuru kar rahe hain to hume bhooka rehna padega. Haan, wo takleef se nahi aap guzarna chahte. To isme bilkul bhi bhook nahi lagti, because you're getting something to eat every 2 hours almost. Oh, excellent. And a lot of people, what I've seen is ki day 4-5 pe jaake wo bhi nahi khate jo maine diya hota. Oh. Usse bhi kam kha rahe hote. Okay. So let's start with the plan. अच्छा, इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं जो इस प्लान की बुनियाद है. एक मैं कहती हूँ, I'd like to call it the super shake. Okay. And the other one is the super broth. अच्छा, एक आप बताएंगी शेक की रेसिपी. हाँ, मैं अंदाजन सी बताऊँगी. ओके. और दूसरा आप एक सूप बताएंगे. हाँ. ठीक है. ये बुनियाद है इस टाइप ये के. दो बुनियाद. ठीक है. ठीक. ये आपने बना के, एंड अगेन दीज आर इजी टू कैरी विद यू इफ यू गोइंग समवेयर. ओके. द शेक यू यूजुअली रिप्लेस योर ब्रेकफास्ट विद द शेक. ठीक है. आप नाश्ते की जगह ये शेक ले रहे हैं. ठीक है. उसमें क्या क्या है? चाय कॉफी तो है. डन. ठीक. डन.
अच्छा, अब शेक में आपने डेरी नहीं यूज करनी, व्हिच मींस मिल्क नहीं यूज कर सकते, मिल्क, दही, दही भी नहीं यूज कर, क्रीम, डेरी, नथिंग, डेरी, नथिंग, एलिमिनेट, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट मैं आज अपनी आखिरी कॉफी पी लूं, आज पी लूं ब्लैक. एलिमिनेशन डाइट में हम पहले उन चीजों पे फिर बात करते हैं जो मैं एलिमिनेट करती हूं. So I'm going to eliminate dairy. अपने प्लीज कागज पेंसिल्स निकाल लें और नोट करते जाएं. हाँ, या वो वीडियो को बार बार देखें. और मैं नीचे लिंक भी करूंगी, तमाम बातें जो सामिया, डॉक्टर सामिया ने बताई हैं, हम अपने नीचे लिंक में लिखेंगे भी, लेकिन अभी भी आप नोट करना चाहें तो कर लें. लिखेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह बताते बताते गपशप में हर चीज याद नहीं रहती. अच्छा, डेरी आपकी कम्प्लीटली इलिमिनेट हो गई, उस डेरी में आपके अंडे भी आ गए. डेरी में अंडे? हाँ. ओ, सो अंडे, डेरी ऑफ एनी काइंड, चीज, इसमें योगर्ट, कीफर, एनी फॉर्म ऑफ लैक्टोज, गॉन. ठीक, हो गया. फिर सेकंड जो चीज जाएगी विल बी ग्लूटेन. Oh. So gluten is gone. Okay. Completely. यानी आपका अनाज जो ज्यादातर है, हाँ, वो आपने वो भी नहीं लेना. निकाल दो. ठीक है. ग्लूटेन फ्री ले सकते हैं? ग्लूटेन फ्री. ओके. ग्लूटेन फ्री ले सकते हैं, लेकिन उसमें आइडियली स्टोर बॉट चीजें ना लें, क्योंकि उनके अगर आप पीछे लेबल्स पढ़ो तो उसमें वैसे इतनी हार्मफुल चीजें होती हैं कि जो अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं तो वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगी बॉडी. सो आइडिया इज कि टू गो एज नेचुरल एज पॉसिबल. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल थिंक राइस इज बैड फॉर देम, सो दिस इज द टाइम दैट यू विल बी अलाउड राइस. ओह, एक्सीलेंट. ठीक है. बट ब्राउन? नो, नॉट बट ब्राउन, प्रेफरेबली. ओके, ओके. बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद वाइट आई. डन. ठीक है, क्योंकि उससे वो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते जो गट के लेवल पे. ओके. अच्छा, फिर उसके बाद आपकी ग्लूटेन और ग्रेन्स, प्रेफरेबली ग्रेन्स जितने भी निकाल सकते हो, बट ग्लूटेन तो गई. गेट. सो उसमें बार्ले भी चला गया, राय भी चला गया, ये सब. वीट तो गया ही गया. वीट तो गया. वीट तो सबसे पहले गया. बिल्कुल. ब्रान ले सकते. ठीक है. तो जैसे चोकर, जैसे चोकर का आटा, चोकर, पर वो हमारे यहाँ प्योर नहीं, प्योर नहीं होता. हाँ. सो प्रेफरेबली नो. ओके. अच्छा, सो ये तीन मेन चीजें हैं. उसके अलावा सीड ऑयल्स, वो तो आपने वैसे भी मना किए हुए, लेकिन अगर फिर भी आप लोग ले रहे हो तो इफ दिस इज द टाइम यू वांट टू रीसेट योर बॉडी और एनी टाइम यू वांट टू रीसेट योर बॉडी, दैट्स गॉन. सो इट्स आइदर ऑलिव ऑयल और सरसों. यस. ठीक. और देसी घी, वो भी डेरी नहीं? देसी घी आप यूज कर सकते हो, और आप कोकोनट ऑयल उसके प्रेफरेबली वो यूज कर लो तो बेहतर. ओके. ओके. सो कोकोनट का जो घी है वो भी बड़ा मजेदार. डन. डन. अच्छा, उसके अलावा आपने नट्स में, मैं बहुत सारे नट्स अलाउ करूंगी, पर आपने पीनट्स नहीं लेने, मूंगफली नहीं, मूंगफली बिल्कुल नहीं लेनी, और किशमिश भी नहीं लेनी. नहीं, किशमिश थोड़ी बहुत आप डाल सकते हो. आई विल कम टू दैट. किशमिश इज नॉट एन एलर्जन, ऑल्दो लेकिन उसमें शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है. ठीक है. बट दिस इज नॉट अ कैलोरी कंट्रोल डाइट. ओ, ओके. मैं फिर वही पुराना चल रहा ना, ओल्ड स्कूल. हां, इट्स नॉट अ कैलोरी कंट्रोल डाइट. सो ऑब्वियसली यू नो इफ यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगरी थिंग्स तो आपकी बॉडी ज्यादा वेट लूज करेगी. ये तो रॉकेट साइंस कोई नहीं. कोई नहीं, अब तो नहीं है. अब तो नहीं है. अच्छा, सो पीनट्स बिल्कुल निकल गए. फ्रूट्स में अगेन बायो इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है. कुछ लोगों का मैं सिट्रस बिल्कुल निकाल देती हूँ, बट सिंस नाउ आई एम टॉकिंग टू अ मास और आप एज अ ग्रुप करोगे तो आई वुड एडवाइज कि सिट्रस, विच मीन्स के कीनू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, ये निकाल दोगे. नींबू लेना है आप. ओह, हाँ. मतलब अब हमारे मौसमी फल भी निकल जाएंगे. मौसमी तो हाँ, तो वो वैसे भी कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं. बेरीज का टाइम आ गया. स्ट्रॉबेरीज आ गई. सो ये चेंज हो रहा है, मजे का कुछ और बन रहा है सारा. ठीक है, अब शेक. अच्छा, नहीं, लेट्स फर्स्ट स्टिक टू व्हाट एल्स वी टेक. एलिमिनेट, अभी और भी चीजें. हाँ, बिल्कुल है. सो फ्रूट में आपने बनाना नहीं लेना, आपने मेलन्स नहीं लेने, जो लेसी जो फ्रूट है ना वो नहीं लेना. ओके. सो प्रेफरेबली टू बी सेफ स्टिक टू बेरीज, एप्पल्स, गुआवास. और क्या मौसम में होगा आजकल, यही काफी है. फोर्ट कौन कर सकता है. हाँ, हाँ, एक सेब खा लो, एक अमरूद खा लो, काफी है. वैसे भी योर एपेटाइट इज गोइंग टू गो डाउन सो मच के, बट लेकिन होता है ना लोग जब शेक बनाते हो तो आप लोग केला डाल लेते हो. सो केला इज नॉट अलाउड. ऑलराइट, डन. अगर मैंगो होता सीजन में तो मैं मैंगो भी मना कर देती, तो केला इज नॉट अलाउड. ठीक है. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आ गई आपकी जो मेन शॉपिंग लिस्ट की अब चीजें हो जाएंगी. ठीक है. ठीक है.
चिकन तब सिर्फ अलाउ करूंगी अगर वो देसी है, ठीक है, ठीक, देसी चिकन या नॉन ब्रॉयलर चिकन। लेकिन वो जो फ्री रेंज ब्रॉयलर है वो भी नहीं? फ्री रेंज अगर इफ यू आर वेरी श्योर दैट इट्स फ्री रेंज, ओके, सो लुक एट द सोर्स के कहाँ से ले, okay. देसी में तो यू कांट गो रॉन्ग, अदरवाइज दिस इज अ गुड टाइम टू गो टू फिश। Very good time to go to fish. Okay. So you can have fish, you can have desi chicken, you can have daalein sari. Sabziyon mein you can have anything. Aloo bhi? Aloo nahi. Mujhe pata tha. No aloo. Zahir hai bhindi ka to mausam bhi nahi hai, but no bhindi. Achha, lacy cheeze hain, main samajh gayi. Theek hai. Aur kya, baingan bhi aa jata hai mere khayal mein usme. Baingan to yaar rehne de ab. Mujhe baingan. Nahi, baingan dry hota. इस तरह की चीजें वेजिटेबल्स में निकल गई। अच्छा, अब उसके अलावा यू हैव एन ओपन फील्ड नाउ प्ले, ओके, सो यू कैन हैव नट्स, यू कैन हैव ड्राइड खजूर्स, यू कैन हैव ड्राइड फिग्स, बादाम लें, वॉलनट्स ले लें, कैशोज ले लें, कैशो भी वैसे है ना हाई कोलेस्ट्रॉल, रहने ही दें, रहने दें, कैशोज रहने दें, वैसे भी मैं पिस्ता इज ओके, पिस्ता इज वेरी गुड, पिस्ता इज वेरी गुड। और लेना कितना है समय, मैं बता रही हूँ, ये अभी डाइट प्लान बताती हूँ, इसमें कोई क्वांटिटीज, ओके, सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी, अगेन रिमेंबर दिस इज नॉट कैलोरी काउंट, ओके, most of the plans that I will be giving you people in our following shows, they are not going to be calorie based. Perfect. Calorie is an outdated concept. Oh. It's a very outdated concept. Oh. It's what the calorie is coming from that is important. ठीक. So like a sample nashta, एक example के तौर पे एक nashta जो होगा, जब आप सुबह उठोगे, सबसे पहले आपने उठते ही दो चम्मच olive oil, extra virgin olive oil गरम करके, कोसा करके, उसमें हाफ अ लेमन, प्रेफरेबली ऑर्गेनिक अगर सोर्स कर सको, ऑर्गेनिक लेमन वो डालो और वो आपने उठते ही चक कर लो, ओके, ठीक है, पानी शानी नहीं मिलाना, नहीं उसमें नहीं, ओके, थोड़ा सा डाल लो दिल करता है तो, मैं तो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल देती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपका मॉर्निंग टॉनिक हो गया, ठीक है, इसको गिव इट अबाउट 20 मिनट्स, देन यू टेक योर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, ठीक है, एंड यू टेक योर मिल्क, ओके, सो इस पर्टिकुलर प्लान के लिए आपको जो दो तीन सप्लीमेंट्स जरूरी जो लेने चाहिए, वो तीन तो एसेंशियल हैं, उनके बगैर तो ये प्लान आई थिंक उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, ओके, एक है प्रोबायोटिक्स, एक है मिल्क थिसल और एक है विटामिन सी, परफेक्ट, ठीक है, विटामिन सी प्रेफरेबली एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में मत लो, सोडियम एस्कॉर्बेट लो, वो क्या फर्क है, ये जो जो कमर्शियल मिलती है जिसपे एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होगा वो नहीं लेनी, ठीक है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो उसपे यूजली लिखा होता है बायो अवेलेबल वाली है वो लेनी है, अगर आप किसी विटामिन स्टोर से लोगे तो फिर तो आप वहाँ पे जो काउंटर पे बंदा उससे भी पूछ सकते, ओके, यू कैन ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सम brands that you can get, okay, ठीक है, ठीक है, because vitamin C जो है वो आपके liver को detox करने में help करती है, ठीक है, so पहले 20 मिनट में जब आप अपना olive oil का वो concoction ले लिया है तो उसके बाद अब आप लोगे 1500 to 3000 milligrams of vitamin C, ठीक है, ठीक, ठीक है, it's a lot, यानी कि हम तीन गोलियां 1000 वाली, हाँ, okay, और ये जब इस शेप में हम सुबह सुबह में लेते हैं स्पेशली विद ऑलिव ऑयल तो ये अगेन हमारे लिवर को डिटॉक्स कर, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, प्लस अब आपको इम्यूनिटी भी चाहिए, सीजन भी चेंज हो रहा है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा, परफेक्ट, ये आपका प्री ब्रेकफास्ट हो गया, ओके, ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद अब आपके जब 30 मिनट्स अब तब तक गुजर गए हैं देन यू हैव योर प्रोबायोटिक्स एंड मिल्क थिसल, अच्छा पहले हमने वो लिया ऑलिव ऑयल विद नींबू वो लिया हमने, उसके बाद विटामिन सी की 3000 ऑलमोस्ट ली, उस फिर 20 मिनट वेट करके, 20 मिनट, हाँ 20 मिनट कर लो या टोटल 30 मिनट, दोनों चीजों को मिला के, एंड देन 30 मिनट्स के बाद हैव योर प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स सॉरी एंड मिल्क थिसल, ठीक है, एंड देन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, विच इज अ शेक, ठीक है, ठीक है, हाँ. अगर आपने उस वक्त सुबह सुबह, बहुत लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको तो बहुत सूट करता है, वो अपना शेक बना के साथ ले जाएं और जब भी आपने अपना फास्ट खोलना, क्योंकि जो पहले मैंने चीजें बताई हैं उनसे फास्ट नहीं टूटेगा, ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक है,
तो आप अपना शेक बनाओगे। अच्छा, अब उस सुपर शेक के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा? सुपर शेक में आपने जो उसका बेस लेना है वो होगा आमंड मिल्क होगा या कोकोनट मिल्क होगा, ठीक है, या ओट मिल्क होगा, ठीक है, ठीक है। दूध नहीं हो सकता, डेयरी तो कट गया ना, कट गया। अच्छा, उसके अंदर अब आप डालो बेरीज जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, फ्रोजन मिलती है किसी स्टोर से, फ्रोजन ले लो, ठीक है। बेरीज डालो उसके अंदर, अपनी डालो, खजूर, फिग अगर डालनी है, थोड़े से नट्स डालो, थोड़े से सीड्स डालो। ट्राई एंड अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनेस, इवन स्टीविया। ओके, एंड यस, वन बिग थिंग आई फॉरगॉट, नो हनी। हनी भी नहीं, नहीं। मतलब मीठा नहीं भाई, नहीं, बस जो बेरीज का मीठा है वो पियो, डन, ठीक है, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग हैं जिनकी मैंने इतनी दफा इम्प्लांट्स पे उनको डाला, इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ, दैट नाउ आई नो व्हाट फूड्स रिएक्ट विद मी एंड व्हाट डोंट। तो लाइक आई विल टेक स्टीविया, ओके, बिकॉज़ मेरे से तो वो बगैर उसके कुछ निकला नहीं जाता। बट जिनको मैं पहली दफा करवा रही होती हूँ उनको फिर ये भी रुकवा दे, ठीक है, या फिर जिनको मुझे लगता है उनको गट इश्यूज ज्यादा है उनका मैं रुकवा देती हूँ, यानी कि मैं, हाँ, तो हमारे भी इतने नहीं है उस तरह के, लेकिन जिनको IBS और कॉन्स्टेंट डायरिया और इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट रहती है, ओके, उनको मैं रुकवा देती हूँ, ओके। अच्छा, ये आपकी शेक बन जाएगी, वो बेरी से काफी मजेदार बन जाता है, ठीक है। अब उस शेक को आप यू कैन आइदर चग इट ऑल टुगेदर और यू मेक लाइक अ बिग जग और उसको पीते रहो जब तक आपके लंच का टाइम नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा जो आपका दूसरा स्टेपल फूड होगा दैट इज गोइंग टू बी योर ब्रॉथ। हमने अपनी एक कुकिंग की एपिसोड में एक अपने सूप की रेसिपी ऐसी बताई भी है विच कैन बी प्लग्ड इनटू, हाँ, मैं इसका लिंक ऊपर लगा दूंगी, हाँ, ठीक है। जो इस एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करें तो एक हफ्ता तो आपका इसमें बन जाएगा, सो हफ्ते का स्टॉक बना के रख लें। अदरवाइज इसमें आप वेजिटेबल का बेस चेंज कर सकते हो। द टू बेसिस दैट आई यूज्ड लास्ट टाइम, वन वाज द ब्रोकली कॉलीफ्लावर वन एंड द अदर वन आई यूज्ड वाज द बीटरूट एंड कैरेट, ठीक है। तो उसमें जिंजर, कैरेट और बीटरूट के साथ वही बेसिक चीज, यखनी निकाल ली, हड्डियों की, सूप बोन्स की यखनी निकालो, उसके अंदर ये सब्जियाँ डालो, उसको विज कर लो। और प्लीज़ अगेन कोशिश कीजिएगा देसी, कोशिश नहीं, आई थिंक इट्स अ मस्ट, ये तो मस्ट मस्ट है, हां, तो दिस प्लान, आई मीन यू नो, मतलब 28 दिन तो हम कर ही सकते हैं ना ये। आल्सो यू नो, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लाइक दिस, समबडी हैज टू बी कमिटेड, या यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि एम आई कमिटेड, डू आई वांट टू डू दिस, व्हाई डू आई वांट टू डू दिस, एंड दैट विल गिव यू द मोटिवेशन। एंड अगेन आई, लाइक आई सेड, ट्राई एंड गेट अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। उसमें ये होता है कि जो आप अपने लिए पका रहे हो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, बिकॉज इट्स अ फ्यू पीपल शेयरिंग, एग्जैक्टली। सो लाइक द ग्रुप दैट आई टुक ऑन, उनको जो मैंने पैकेज दिया था उसमें आई डिड द ब्रॉथ्स फॉर देम, वाओ, और फिर मैंने उनको पैकेट्स बना के दिए थे ऑफ देयर मॉर्निंग सप्लीमेंट्स एंड देयर इवनिंग सप्लीमेंट्स, परफेक्शन। सो वो जो मुश्किल काम था ना उनका, वो मैंने निकाल दिया बीच में, कि उस अब सुबह उठ के गोलियां निकालनी हैं, गिननी हैं। सो आई वाज लाइक मॉर्निंग सप्लीमेंट्स, इवनिंग सप्लीमेंट्स, ये इस वक्त खाना है, ये इस वक्त खाना है, और ब्रॉथ्स बना के मैंने दे दी शेक की रेसिपी। बस एक घंटा लगता है, खुद बैठ के पैकेट्स बना लो पूरे 28 दिन के, हां, करने को तो कर सकता है इंसान, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल अवॉइड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ओके। अच्छा, ये हमारी हो गई यखनी। अब इस यखनी का भी इस्तेमाल, ये जो ब्रॉथ है हमारा, इसका ब्रॉथ भी का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि जब भी आपको भूख लगे, या वो शेक थोड़ा सा ले लो या ये ले लो, ठीक है, ठीक है। शुरू में 2-3 days, मैक्सिमम 2 days आई थिंक लगती है थोड़ी सी भूख, वो भी साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है, तीसरे दिन भूख मर जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपका आ गया लंच, लंच में ट्राई एंड हैव फिश और चिकन टिक्का, अगर वो देसी टाइप का हो, या भुना हुआ चिकन बना लो, बेसिकली बेस बनाओ आप अपना थोड़े से प्रोटीन का और ढेर सारा सैलड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका लंच हो गया। एंड देन फॉर स्नैक्स यू कैन हैव योर नट्स, यू कैन हैव अ कपल ऑफ फिग्स, यू कैन अगेन हैव योर ब्रॉथ एंड योर शेक। एंड फॉर डिनर दाल, सब्जी, मटन का गोश्त, चिकन देसी, फिश, उसकी कोई भी मज़ेदार सी रेसिपी बना लो। अच्छा, इसमें जब हमने जब ये प्लान किया था तो अ लॉट ऑफ पीपल दे अज्यूम कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें वो अकड़ा अकड़ा खाना होगा सिर्फ, हाँ। तो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट ऑन द प्लान विद एवरीबॉडी एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, सो आई वुड पेस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट आई एट फॉर डिनर, ऑलराइट, एंड within a day everybody got excited because
they figured out that oh it doesn't have to be boring because ek din main kofte kha rahi thi chawal ke saath they were like oh we can have this so ek din there was mixed sabzi so it's just that oil kaun sa use kar rahe ho kyunki remember calorie based nahi hai it's what you are putting inside perfect theek hai na? That's a very easy diet I mean I can do it and gluten free aatte ki roti bhi kha sakte hain haan na wo hum kaun sa khate hain buckwheat अच्छा जिनको बहुत ज़्यादा डाइटरी इश्यूज़ हैं मैं इस प्लान में आप लोगों को ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप बकवीट को भी मत चावल प्रेफर कर नहीं 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 बिकॉज़ माय प्लान इज अभी करें बकवीट को करें ओके क्योंकि हमारे खत्ते में इतनी ज़्यादा जो है ना वो इन बाकी वाले ग्रेन्स की अभी एलर्जी डेवलप नहीं हुई ठीक है सो वी हैवंट रियली कंज्यूम्ड दैट ओके दूसरा ये इतने अभी रॉ फॉर्म में मिल रहे हैं कि वो प्रोसेस्ड नहीं है ओके लेकिन व्हेन यू कम टू मी हो सकता है कि अगर कोई मेरे पास खुद से आए और उसके मैं मसले देखूं तो उसको मैं शायद ये भी अलाउ ना करूं बट अभी अगर आप यू नो एज अ जनरल ऑडियंस इफ यू ऑल वांट टू डू इट यू कैन हैव योर बकवीट की ठीक है लाइक कुछ एंड व्हाट अबाउट वो जो होती है कॉर्न क्या कॉर्न नहीं लेना कॉर्न नहीं लेना हालांकि वो ग्लूटेन फ्री है कॉर्न ग्लूटेन फ्री है लेकिन कॉर्न नहीं कॉर्न नहीं लेना वेरी वेरी मकई का आटा नहीं लेना डन बेसन भी नहीं लेना बेसन ले सकते हो चिकपी ले लो क्योंकि वो तो लेंटल्स में आ गया ना भी अगर कोशिश करो कि प्रोसेस्ड ना हो मसालों में जो मर्जी इस्तेमाल करो okay. अच्छा कॉन्डिमेंट्स में थोड़े केयरफुल हो जाओ सो कॉन्डिमेंट से मेरी मुराद है कि अगर आप स्टोर बॉट केचप लो नहीं वो तो वैसे ही जिंदगी से निकाल दो ना खुद बनाओ घर में सो कॉन्डिमेंट्स आप यूज कर सकते हो मस्टर्ड बाजार से ले सकते हो जो मस्टर्ड रेलिश वगैरह मिलता है यू कैन टेक जो पिकल्ड वेजिटेबल्स मिलते हैं ठीक है सावक्रॉट वगैरह ऐसी सारी चीज़ें ले सकते हो पिकल्ड क्यूकम्बर्स इस तरह की सब चीज़ें जो मिल रही हैं जो ब्राइन के अंदर अचार बने हुए हैं परफेक्ट या जो अच्छे ऑयल में अचार बने हुए हैं किसी अच्छी सोर्स से वो सब आप यूज़ कर सकते हो सो इट डजंट मीन दैट योर टेस्ट बड्स हैव टू डाई ओके यू जस्ट ईट मोर सेंसिबली ठीक एंड बाय डे थ्री द फीलिंग ऑफ the foggy brain the low energy the aches and pains they'll start going away the sleep starts getting better and the other thing that I would want you guys to be careful about ki aapki poop ki quality color consistencies mein change hoga okay kyunki aap bahut zyada gand body mein se ab nikal rahe ho oh aur acha phir aap sath probiotics bhi le rahe ho aur milk thistle bhi le rahe ho to aap udhar se liver ko bhi cleanse kar rahe ho aur gut ko bhi cleanse kar okay to ho sakta hai aapko thoda bahut diarrhea लगे या पूप का कलर डार्क हो जाए ओके कुछ लोगों को तो डरना नहीं है घबराना नहीं दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान ऑलराइट ये चौथे दिन तक जाके सब सेटल हो जाता है सर दर्द भी चला जाता है सर दर्द भी शुरू में होता है बिकॉज हम कैफीन छोड़ते हैं ना अच्छा अब एलिमिनेशन डाइट हमने समझो दो हफ्ते कर ली तीन हफ्ते कर ली 90% अगर ये आप 21 डेज करते हो तो यू विल गो वेरी क्लोज टू योर ideal target weight yes a lot of people lose a lot of weight on perfection you will be amazed at the results फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक फूड ग्रुप वापस लाती हूँ ठीक है उसमें मैं लोगों से पूछती हूँ कि what have you been craving आटा you'll be surprised you know what the biggest thing was हाँ eggs oh सब ने शोर डाला हुआ था किसी ने रोटी नहीं मांगी किसी ने दही नहीं मांगी सब ने अंडे का शोर डाला हुआ था अंडा सो हमने एज अ ग्रुप फिर डिसाइड किया कि ओके एज अ ग्रुप लेट्स ब्रिंग बैक अंडा ठीक है आई डू नो और देसी अंडा कि हमारे जनरली हमारे खत्ते के जो लोग हैं मैंने उसमें एग एलर्जीज नेग्लिजिबल हार्डली या सो आई वाज एंटिसिपेटिंग इट मुझे था भी कि ये इससे कुछ नहीं होगा सो हम एक फूड ग्रुप वापस लाते हैं और फिर मैं दो दिन देखती हूँ और आपने अपनी बॉडी को खुद नोट करना होता है कि उन दो दिनों में आपके कोई जो पुराने सिम्टम्स थे वो वापस तो नहीं आए सर दर्द पेट का जो प्रॉब्लम था फॉगी ब्रेन कोई एलर्जी कोई दाना चेहरे पर निकल आया वो वापस तो नहीं आया अगर दो दिन आप ठीक रहे उस पर्टिकुलर फूड ग्रुप पे तो फिर हम एक और फूड ग्रुप ले आते हैं परफेक्ट उसमें हम फिर ले आए थे ज्वार की रोटी जौ की रोटी अच्छा अभी ज्वार भी नहीं लेना नहीं, ज्वार ले सकते हो हाँ। लेकिन मैं अभी कहती हूँ अभी ग्रेन्स ना लो ग्रेन्स ना लो 21 दिन तो अवॉइड कर लो चलो 14 दिन कर लो मैं तो 21 करके दिखाने लगी हूँ अच्छा फिर हम जौ की रोटी ले आए थे हार्डली एनीबडी रिएक्टेड टू दैट अ कपल ऑफ पीपल डिड ओके सो वहां पे अब देखो ना ग्लूटेन आ गया ना तो ग्लूटेन एलर्जीज हैं यहाँ वो तो बहुत ज्यादा सामने हमें पता ही नहीं है
हम तो आदि हो गए उन चीजों के जो कि ग्लूटेन हो गए। अच्छा, तो इसमें रात को कोई सप्लीमेंट्स? रात को हाँ, डिनर से पहले भी आपने एक प्रोबायोटिक और एक मेडिसिन, एक सुबह लेना है और एक रात को लेना, ठीक है, ये सिंपल ठीक है। उसके अलावा ऑप्शनल मैंने दिए थे लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी खरीद के रखे हो, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेते रहो, अगर और कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो कंटिन्यू टू टेक देम, कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो आपने रोकना है। ओके, एंड आई थिंक दैट शुड कवर एवरीथिंग। क्वेश्चन, फील फ्री टू राइट टू अस। तो आज डॉक्टर सामिया ने आपको जो ये डिटॉक्स की सारी चीज़ें बताई हैं, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना लेना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इसमें हल है। बहरहाल मैं तो आज से, आई हैव जस्ट टर्न 52, आज मेरी बर्थडे, और आज से ही मैं ये डाइट शुरू कर रही हूँ, और 21 डेज में मेरा क्या क्या मैंने खाया है, कितना मेरा वेट कम हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम से मेरा सामना हुआ और किस तरह वो बेहतर हुई है, ये सब मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूँगी आफ्टर 21 डेज। लेकिन बीच में सोशल मीडिया पे मैं भी और डॉक्टर सामिया भी ये शेयर करते रहेंगे, हमने क्या खाया क्या पिया। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, और आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो किसी किस्म के, हमें लिखकर भेजें, डॉक्टर सामिया को लिखकर भेजें, और उनका जवाब हम आपके पास लेके आएंगे। सो हैप्पी डिटॉक्स, टिल देन खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।